स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। देखिए बंगाल विभाजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि यहीं से हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो एक टकराव था वो उत्पन्न हो चुका था। यह एक ऐसा आंदोलन था या बोल सकते हैं कि एक ऐसी ऐतिहासिक समय था जिसमें इन दोनों धर्मों के बीच में बहुत बड़ा दीवार बना और इसे बनाने का काम या इन दोनों धर्मों के बीच का जो खाई बनाने का काम था वो अंग्रेज़ों ने करके गया। देखिए होता कुछ ऐसा है कि 1903 में अंग्रेज ये बात को जान चुके थे कि अब भारत पर धीरे धीरे जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं या जो एक पढ़ा लिखा बड़ा सा तबका है जो युवा के रूप में भारत को स्वतंत्र कराने की मांग को कर रहा है वह धीरे धीरे और उग्र होते जा रहा है। और इसकी उग्रता को समझने के लिए अंग्रेज़ों ने एक ऐसे प्रक्रम को अपनाया जिसके तहत वो इनकी आवाज़ को दबा सके, वो क्रांतिकारियों के बीच में आपसी मतभेद करा सके। और इसी को देखते हुए अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र की शुरुआत 1903 में ही हो जाती है और 1903 में एक प्लानिंग किया जाता है इंग्लैंड के एक छोटे से हॉल में जहां पर यह निश्चय किया जाता है कि किस तरह पश्चिमी या बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में जो बंगाल है इसे बांटा जाए। और चूँकि अंग्रेज़ ये मानते थे कि यदि आज़ादी का सबसे बड़ा बिगुल फूकाएगा तो वो बंगाल से ही हो सकता है क्योंकि बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने थे सभी मिल के रहते थे। किंतु इसी का तोड़ अंग्रेज़ों ने सबसे पहले ये निकाला कि क्यों ना इस पूरे क्षेत्र को एक तरह से धर्म के आधार पर बांट दिया जाए, एक तरह से टकराव उत्पन्न कर दिया जाए। और इसके लिए अंग्रेज़ डायरेक्टली तो इसमें कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए इनडायरेक्ट रूप से या बोल सकते हैं घुमा फिरा करके अंग्रेज़ इसमें कुछ ऐसे काम को करते हैं ताकि यहाँ पर जो हम अर्थात हिंदू और मुस्लिम का जो संगठन है जो मिला हुआ है इसके बीच टकराव हो जाए। और इसी को देखते हुए 1903 में एक निर्णय लिया गया कि आने वाले वर्षों में अर्थात 2 से 3 वर्षों के अंदर ही बंगाल का विभाजन किया जाए। हम लोग देखिए बहुत बार बंगाल जाते हैं, जैसे हम लोग आसनसोल जाते हैं या कलकत्ता जाते हैं तो बहुत कोई बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, लेकिन होता ये किधर है, पूर्व की ओर है। लेकिन पश्चिम बंगाल बोलते हैं, वेस्ट बंगाल आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक्चुअली ये किधर है, पूर्व में है। तो पश्चिम बंगाल क्यों बोला जाता है ये भी जानते हैं। देखिए होता क्या है, चटगांव, ढाका और एक मेमनी सिंह जिला था जिन्हें तोड़ना था और इन्हें एक तरह से विघटित करके, इन जिला को विघटित करके एक तरह से असम के क्षेत्रों में शामिल करना था। और चूंकि अंग्रेज़ इस बात को जान गए थे कि जिस तरह यह क्षेत्र एक तरह से बहुत ज़्यादा उग्र हो चुका है क्रांतिकारियों के लिए और यहाँ पर भारी मात्रा में ऐसे लोग या ऐसे नेता जन्म ले रहे हैं जो लगातार स्वतंत्रता के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और इन्हीं आवाज़ों को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक ऐसा हथकंडा अपनाया जिसे फूट डालो और राज करो की नीति कहा गया। इसके तहत अंग्रेज़ों ने बहुत सारे दावपेच लगाए और इसी दावपेच में एक ऐसा समय आता है जहां पर वो अपने इस सबसे घटिया नीति को लागू करने वाले थे। यह नीति था बंगाल विभाजन का, जिसमें बिहार, उड़ीसा और वर्तमान का जो बंगाल है उसे पश्चिम की क्षेत्र में बांटना था, उसी तरह दूसरे क्षेत्र में बांग्लादेश और असम के कुछ क्षेत्र को पूर्वी बंगाल में बांटना था। ये दोनों क्षेत्र जो थे, आप ध्यान से सुन लीजिए, बिहार, उड़ीसा और वर्तमान का जो बंगाल है जिसमें कलकत्ता आता है वो पश्चिमी क्षेत्र में था, दूसरा और बांग्लादेश और असम जो था ये पूर्वी क्षेत्र में था। और इन दोनों को बांटने की योजना तैयार की गई। इन दोनों क्षेत्रों को बांटने के लिए 19 जुलाई 1905 को पहली मीटिंग रखी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। पहली बैठक में यह तय हो गया कि अब इसे जल्द से जल्द बांटना होगा और अंग्रेज़ों ने बिना लेट किए कोई भी तरह का बोल सकते हैं ऐसा प्रक्रम नहीं अपनाया जिससे इस आंदोलन को या बोल सकते हैं कि इस बंटवारे को कोई आँच भी आती। इसलिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन करने का पूरा दायित्व दे दिया गया और बंगाल का विभाजन की एक घोषणा कर दी गई, जिसके बाद कई सारी सभाएं हुई और इन सभाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो क्रांतिकारी थे या जो इनके विरोध में खड़े थे वो लोग शामिल होने लगे। 7 अगस्त 1905 को जब लोगों को इस बारे में आभास हुआ कि बंगाल का विभाजन होने वाला है जिसमें बिहार, उड़ीसा और जो हम लोग का वर्तमान बंगाल है उसको अलग
क्षेत्र में करेगा, अर्थात ये पूर्वी बंगाल में आ जाएंगे और बांग्लादेश और असम के क्षेत्र जो हैं उसे पश्चिमी बंगाल में रखा जाएगा। तो पूरा माहौल जो था, ये 8 करोड़ जनसंख्या वाला जो बंगाल था, ये पूरी तरह प्रभावित होने लगा और लोगों के बीच हलचल मच गई कि अब क्या होगा। लोगों ने लगातार अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया, बहुत सारी सभाएं हुई, कलकत्ता टाउन हॉल में भारी भरकम, एक बोल सकते हैं कि ज़्यादा संख्या में लोग जुटने लगे और भारी मात्रा में लोग जो थे अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे कि क्यों वो बंगाल को दो भागों में बांट रहे हैं। तो बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने एक सफाई देते हुए कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसे एक व्यक्ति या बोल सकते हैं एक हाथ से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे दो अलग अलग स्टेट में बांटा जाएगा। जहां पश्चिमी बंगाल का राजधानी जो था वो कलकत्ता को नियुक्त किया गया और वहीं पूर्वी बंगाल की राजधानी जिसमें बांग्लादेश और असम के क्षेत्र आते थे उसकी राजधानी ढाका को स्थित किया गया। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुविधा ये हुआ कि इसका तो पूरा जो एक तरह से बंटवारा था वो अंग्रेजी सरकार कर चुकी थी और इसको अब लागू करना जो था उसके लिए ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया और इस विभाजन के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने इसको सहमति दी कि हाँ बंगाल अब विभाजित हो चुका है, जिसके बाद लोगों के अंदर उग्रता की भावना उत्पन्न होने लगी। लोग जो थे अब तरह तरह से अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे ताकि इस विभाजन को किसी तरह भी निषेध किया जाए, किसी तरह भी इसे रोक दिया जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ और बंगाल अंततः विभाजित हुआ। लोगों ने उपवास किए, राखी दिवस मनाया, एक दूसरे के साथ गंगा स्नान किया और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया। ये वही लोग थे जो कभी एक साथ रहते थे, जो आज के समय में हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं और जो हिंदू मुस्लिम का जो एक बहुत बड़ा संगठन था, ये वही लोग थे जिन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। अंग्रेजों ने इन सभी चीज़ों को भांप लिया था कि यदि हिंदू और मुस्लिम में टकराव उत्पन्न कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये लोग एक साथ नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये लोग आवाज़ बुलंद नहीं कर पाएंगे। इसी के कारण उन लोगों ने इस तरह से बंगाल को विभाजित किया जिसमें एक और हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए। देखिए पश्चिमी जो बंगाल जिसके अलग किया गया था वहाँ पर लगभग बहुत भारी मात्रा में हिंदू था, लगभग 4 करोड़ से भी ऊपर की मात्रा में वहाँ हिंदू वर्ग के लोग थे और मुश्किल से 90 लाख के संख्या में वहाँ मुस्लिम वर्ग के लोग थे, जिसमें मुस्लिम वर्ग जो था वो अल्पसंख्यक बन चुका था। वहीं दूसरी ओर अर्थात पूर्वी बंगाल में 1.2 करोड़ जनसंख्या में हिंदू वर्ग के लोग थे, जबकि 1.4 करोड़ या 1.8 करोड़ की जनसंख्या में मुस्लिम वर्ग थे, जिसमें यहाँ पर यानी इस क्षेत्र में जो पूर्वी क्षेत्र था वहाँ पर हिंदू वर्ग के लोग जो थे अल्पसंख्यक हो गए। मतलब दोनों क्षेत्रों में एक जहाँ हिंदू वर्ग ज़्यादा था वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गया, दूसरी ओर जहाँ मुस्लिम ज़्यादा था वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। और इन दोनों के बीच में ज़्यादा टेंशन उत्पन्न करने के लिए बहुत जगह पर ऐसा किया गया जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील था। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे उन क्षेत्रों में हिंदुओं के द्वारा या बोल सकते हैं हिंदुओं को फंसाने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी चाल चली, धार्मिक रूप से लोगों की मान हानि की गई, अर्थात मस्जिदों में सूअर के मांस को फेंका गया ताकि जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो हिंदुओं पर उग्र हो जाए। वहीं जहाँ दूसरी ओर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों में गाय के मांस को फेंका गया। इस तरह से दोनों धर्मों के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में टकराव होने लगा, दोनों एक दूसरे के लिए बोल सकते हैं युद्ध करने लगे। जहाँ कभी दोनों ने मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा की कसम खाई थी, अब अंग्रेज के इस घिनौने राजनीति में दोनों धर्म जो थे वो फंस चुके थे और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। अंततः अंग्रेज़ों ने एक और बहुत बड़ी चाल खेली। अंग्रेज़ों ने 1906 में अर्थात 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेज़ों ने करवा दी और अंग्रेज़ों ने इसमें मुस्लिम लीग के जितने भी या बोल सकते हैं मुस्लिम वर्ग के जितने भी लोग थे उन्हें यह आश्वासन दिया, जो बहुत झूठा था, आश्वासन ये दिया कि तुम लोग अब क्या करो, अब तुम लोग अपना शासन को मजबूत करो और जो पश्चिमी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन्हें सपोर्ट करो, जो तुम्हारे वर्ग के जो मुस्लिम भाई हैं उन्हें तुम बचाओ क्योंकि वहाँ पर हिंदू बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, वो तुम्हारे वर्ग के लोगों को अर्थात मुस्लिम वर्ग के लोगों को मार देंगे। इस चीज़ को देखते हुए अंग्रेजी सरकार जो थी वो बहुत खुश हो रही थी कि वो इसमें कामयाब हो चुके हैं और हुआ भी कुछ ऐसा, क्योंकि ढाका अर्थात पश्चिमी क्षेत्र तो एक और बहुत दूर था जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक थे,
दूसरी ओर ये जो पूर्वी क्षेत्र था जहाँ बंगाल, ढाका या बोल सकते हैं असम का क्षेत्र था, जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, इन्होंने खुले रूप से मुस्लिम लीग का समर्थन कर दिया। हाँ, शुरुआत में कुछ जो शासक थे, जो मुस्लिम शासक थे या जो बहुत बड़े बड़े अच्छे संप्रदाय या बोल सकते हैं कि ऊँचे स्तर के मुस्लिम थे, उन लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया। उन लोगों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, हम हिंदुओं के विरुद्ध तलवार नहीं उठाएंगे, ना उनके विरुद्ध कुछ बात बोलेंगे। किंतु जो एक फूट डालो की और राज करो की जो नीति थी ना, ये उन लोगों के ब्रेन वॉश को बहुत ज़्यादा करने लगा। धीरे धीरे जितने भी मासूम या बोल सकते हैं जो बेगुनाह लोग थे, वो मारे जाने लगे। भारी मात्रा में हिंदू मुस्लिम के बीच झड़प देखने को मिली, और इस झड़प के कारण जहाँ पूर्वी बंगाल में जितने मुस्लिम थे और जो पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम थे, ये दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग का संगठन को तैयार कर दिया। इसी से अंग्रेज जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। अंततः अंग्रेजों ने इसमें मुस्लिम लीग का साथ दिया, और मुस्लिम लीग के साथ मिलने के बाद मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं इसमें एक सपोर्ट मिल गया। लेकिन अब मुस्लिम लीग में जो नए नेता थे, ये पुराने नेताओं को छोड़ने लगे। जो पुराने नेता कभी हिंदू मुस्लिम के साथ रह करके हर प्रकार का विरोध करते थे, हर प्रकार का अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करते थे, वो लोग अब हट चुके थे। अब वो लोग आ चुके थे जो चाहते थे कि भारत के दो टुकड़े हो। क्योंकि देखिए, अंग्रेज ये जान चुका था कि आने वाले 10 से 20 से या 30 साल में अब भारत को उन्हें छोड़ना होगा, तो क्यों ना भारत को कुछ ऐसा तोड़ दिया जाए कि जो अब जो उस समय बचा वो भारत रहेगा ना, उसको ये लोग फिर से सुधार नहीं सके। और इसी कारण उन लोगों ने ऐसे लोगों का चुनाव किया था मुस्लिम लीग में जो पूरी तरह से हिंदूवादी या बोल सकते हैं पूरी तरह से अलग विचारधारा के थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय जो था वो कभी हम लोग के साथ नहीं रहे, मुस्लिम समुदाय हमेशा हम लोग के साथ रहे। आप 1905 के पहले जितने भी आंदोलन देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा कि बहुत सारे मुस्लिम संप्रदाय जो थे और वर्ग जो था वो हिंदू वर्ग के साथ मिल करके इस आंदोलन को कर रहे थे ताकि देश को स्वतंत्र कराया जा सके। हाँ, ये अलग बात था कि कई बार इन वर्गों के बीच में थोड़े मोड़े लफड़े होते थे, लेकिन कभी धार्मिक रूप से कोई भी लफड़ा नहीं हुआ था। लेकिन अंग्रेज ने जिस दुखती नस को दबाया था, इससे भारत माँ के कलेजे पे बहुत बड़ा चोट लगा था, और ये हिंदू मुस्लिम का जो लफड़ा था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसमें कई बेगुनाह जो थे वो मारे गए। इस तरह से बंगाल का विभाजन हो गया। 1911 में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, और यहाँ पर बड़ा दिल्ली दरबार में एक समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें जॉर्ज पंचम और मैरी जो उनकी पत्नी थी उन्हें आमंत्रित किया जाता है, जिसका अध्यक्षता वहाँ के जो गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और इसी समय बंगाल विभाजन के जो प्रक्रिया था उसे निषेध कर दिया गया, अर्थात 1911 में बंगाल का विभाजन जो था उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। देखिए, समाप्त करने का कारण ये था क्योंकि अंग्रेज जो चीज़ चाहते थे उन्होंने उस चीज़ में अपनी कामयाबी हासिल कर ली थी। उन्हें चाहिए था कि बंगाल के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम के बीच में ज़्यादा टकराव हो, जिससे पूरे भारत में एक रोष का माहौल उत्पन्न हो, वो हो चुका था। दूसरी ओर वो यह चाहते थे कि बंगाल में जो एकता बनी हुई है दोनों धर्मों के बीच में या दोनों युवाओं के बीच में, हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्ग के बीच में, ये पूरी तरह तबाह हो जाए, वो हो चुका था। और इसका तीसरा ये कारण था कि इसे क्यों जल्दी से जल्दी बंद किया गया या जल्दी से जल्दी ये बंगाल विभाजन को पूरी तरह ख़त्म किया गया, यह कारण ये था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नई नई ताकतों ने जन्म ले लिया था, कई नई नई युवाओं की पार्टियां जन्म ले ली थी, जिसने लगातार बंगाल के लोगों को उत्सुक कर दिया था और अंग्रेज को बहुत ज़्यादा मात्रा में मारा जा रहा था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्लाचार्य ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट पर बम फेंक दिया था, और वो विरोध करना चाह रहे थे अंग्रेज के इस बोल सकते हैं कि बंगाल विभाजन का। और इस विरोध में जो मजिस्ट्रेट की वाइफ थी उनकी मृत्यु हो जाती है और मजिस्ट्रेट बच जाता है, जिसके बाद ये पूरी घटनाएं जो थी वो लगातार बढ़ने लगी। इसी तरह कई जगहों पर सार्वजनिक स्थानों पर अंग्रेजों के जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते थे उन्हें मारा जाने लगा, और अंग्रेजों ने इससे डर करके 1911 में इस कानून को वापस ले लिया, और अंततः बंगाल विभाजन जो था वो पूरी तरह बंद हो गया, और वापस फिर से जो ढाका राजधानी थी वो फिर से दिल्ली नियुक्त हो गई, और कलकत्ता की राजधानी को हटा करके वापस इन्हें दिल्ली नियुक्त कर दिया गया। इस तरह से बंगाल विभाजन जो था वो ख़त्म तो हो गया, लेकिन इसने भारत में बहुत बड़ा एक ऐसा चोट पहुंचाया जो आज हिंदू मुस्लिम के रूप में हमें देखने को मिलता है। आज हमें ज़रूरत है कि इस तरह के जो आंदोलन हो रहे या इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारते हैं, इसे बंद करने की आवश्यकता है।
अब हम पढ़े लिखे हो चुके हैं, हमारे अंदर हमारी संस्कृति और हमारी भारत माँ के लिए बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। हम अपनी गरीबी और अपनी बेरोजगारी को दूर करने पर ध्यान दें, ना कि कुछ छोटे मोटे नेताओं के चक्कर में अपने दोस्तों, अपने भाइयों और अपने बहनों के खून को बहाएं। आशा करते हैं बंगाल विभाजन की इस पूरी घटना को आप जान चुके होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।